नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में। जी हां, ढोल बजते रहे, ढोल नहीं रुकने चाहिए। राजगढ़ में आज हम मौजूद हैं और ये जो कार्यक्रम है TV9 भारतवर्ष का, इस कार्यक्रम का नाम है पब्लिक बोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम मौजूद हैं राजगढ़ में। राजगढ़ की चर्चा क्यों है? सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता दें, हमारे साथ राजगढ़ की तमाम जनता भी मौजूद है। एक बार चाहूंगा कि हम सभी तालियों के साथ अपनी हौसला अफजाई करें, राजगढ़ की जनता का स्वागत करें। देखिए, राजगढ़, दिग्विजय सिंह यहां से चुनावी मैदान में है कांग्रेस के, और इसलिए ये सीट काफी हॉट है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह अपनी राजनीतिक विरासत को 33 साल बाद फिर से जो क्लेम कर रहे हैं उसे बचा पाएंगे? राजगढ़ के मुद्दे क्या हैं? क्या यहां सीधी लड़ाई बीजेपी के उम्मीदवार से है या फिर यहां लड़ाई प्रधानमंत्री के चेहरे और दिग्विजय सिंह के बीच है? ये सारे सवाल यहां पर उठेंगे। देश के मुद्दे उठेंगे, मध्य प्रदेश के मुद्दे उठेंगे, राजगढ़ के मुद्दे उठेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ, और मैं चाहूंगा कि हर मेहमान का तालियों के साथ आप लोग अभिवादन करें। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त प्रकाश पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, और स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हैं अमर सिंह यादव, बीजेपी के MLA हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ ज्ञान सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, और बाबू सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व विधायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस के ही नेताओं से होगा। पहला सवाल, 33 साल बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस को याद आई है राजगढ़ की? याद नहीं आई है राजा साहब। दिग्विजय सिंह जी जो है इस क्षेत्र से कोई चिर परिचित है, उनका क्षेत्र शुरू से यहाँ रहा है। याद करने का तो याद तो तब आती है कि जब कोई आदमी भूल गया हो। अच्छा। जब भूला ही नहीं हो तो याद किस बात की? जनता तो भूल गई, दो बार से चुना नहीं कांग्रेस, और तीसरी बार से बीजेपी के सांसद, जो वर्तमान सांसद, वही चुनावी मैदान में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? पेट्रोल के दाम क्या है? अच्छा, पेट्रोल के दाम क्या है? डीजल के दाम, महंगाई कहाँ पहुंच गई? इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा था कि 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मिल रहा क्या भैया? ये मोदी जी ने कहा था, इन्होंने मिल रहा, ये कह रहे हैं नहीं मिल रहा। भाई, बात पेट्रोल की है कि विकास की है? देश क्या विकास नहीं कर रहा? बीजेपी तो यही बात कहती है कि देश कहां से कहां पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, जोर से बोलो, झूठ बोलो और ज्यादा बोलो, इनके पास ये काम है। इनके पास मुद्दा बचे क्या है? विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर राजगढ़ जिले शोकित घुसे हुए करते थे, आज खेतों में किसानों को नेर के माध्यम से लौटूंगा आप ही की बात। जरा देखिए, बीजेपी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो बात कह रहे हैं, झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ, काम कुछ हुआ नहीं। इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा काम नहीं हुआ? कांग्रेस बता ना, नाम बता, कौन सा काम नहीं हुआ राजगढ़ जिले में? आप बताइए ना, कौन सा काम हुआ राजगढ़? राजगढ़ जिले में हर किसान के खेत में नहर पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मोहन यादव जी ने किया, प्रत्येक घर में नल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रोड दिग्विजय सिंह के समय 10 साल के शासन में रोड की बात आपके से पूछना चाहता हूँ, क्या स्थिति थी? और आज हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, रोड चकाचक आपको मिलेगा। आपको पता है कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरते ही राजगढ़ में बीजेपी में हलचल है। काई की हलचल है? ये तो इनसे पूछो कितनी हलचल है इनमें, इनसे पूछो कितनी हलचल है। देखो, हमने बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है। मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये मध्य प्रदेश विकसित भारत मध्य प्रदेश के रूप में उभर करके आया है। अब हमें इसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। जो बीमारू राज्य था, जो अंधकार में चला गया था, जो फिसड्डी राज बन गया था, जहां कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, उस राज को हमने विकसित। आप मान रहे हैं
कि मध्य प्रदेश में विकास और राजगढ़ में विकास का मुद्दा। राजगढ़ में काम, आप राजगढ़ जाकर देख लीजिए, आप मोहनपुरा डैम देखिए, आप कुंडला डैम देखिए, आप हर खेत खलिहान तक जाकर के किसान के। तो चलिए एक बार जल्दी से आप सभी जनता से ये पूछेंगे, ये दावा देखिए बीजेपी का दावा है, बीजेपी के सभी विधायकों ने दावा किया है विकास हुआ है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में राजगढ़ में भी विकास, जो काम 70 सालों में नहीं हुए यहाँ पर 10 से 20 सालों में हुए हैं राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार। अब चलिए अब सीधे एक एक करके लोगों से पूछते हैं, डबल इंजन की सरकार में कितना काम हुआ और कांग्रेस का पुराना राज अच्छा था के अभी का राज अच्छा? अभी का राज अच्छा है, वो बापू सिंह जी बोल रहे थे ना, राजगढ़ में किसका राज अच्छा है? राजगढ़ में बीजेपी का राज अच्छा है, बीजेपी का जलवा है राजगढ़ में बापू सिंह। मतलब बीजेपी का गले में पट्टा बांधोगे तो यही बोलो, पट्टा वाली बात नहीं है, राजगढ़ के वोटर नागरिक। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, 150 रुपए के 500 रुपए लीटर में पेट्रोल हो जाना तो भी वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अरे भाई साहब, ये मेरा आवाज नहीं, ये मेरी आवाज नहीं, ये गरीब जनता की आवाज है। ये कांग्रेस, कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं कि 14 लाख का 15 लाख की बात बोल रहे थे, 100 पाइप गाड़ने का खर्चा 1 से 1.25 लाख रुपए होता है, 25 किलोमीटर की लाइन गाड़ के देखो कितने 15 लाख आ गए हमारे। अच्छा, मोटर डीपी लाइट बिना सीक्रेट बता रहे हैं पहले पहले, ये सीक्रेट बता रहे हैं कांग्रेस का कि भाई कांग्रेस के जमाने में जो भ्रष्टाचार था उसी वजह से तो गई। भ्रष्टाचार को भाजपा ने शिष्टाचार बना लिया। कैसे कैसे? ऐसे कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। एक अरे वो कह रहे भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचारी आज जेल में छेड़ा है सर। सर उनने नई मशीन बनाई है, एक कौन सी मशीन? भ्रष्टाचार को माफ करने वाली मशीन बनाई है, जो भ्रष्टाचार करता है वो भाजपा में। कह रहे नई मशीन है, वॉशिंग मशीन। देखिए भ्रष्टाचार का नाम कांग्रेस, कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। 2014 से पहले आप उठा करके देखिए, एजी ओजी कनीमोजी 2G स्पेक्ट्रम कोल घोटाला, एक से एक बड़े बड़े स्कैंडल। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम लोग और इंडिया गठबंधन, चलिए इंडिया गठबंधन के लोग, वो जो सवाल उठाया भाई साहब ने कि भाई भाजपा की स्थिति तो ये है कि जो जो आ रहा है वो सब साफ हो रहा है, नीट एंड क्लीन। एक वॉशिंग मशीन दिखाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ डालो और नेता साफ। इनसे पूछो, इनका तो नेता धरती से ही साफ हो गया है, कांग्रेस साफ हो गई, देश से कांग्रेस साफ हो गई है साहब। जो कांग्रेस यहाँ पर थी देश के अंदर, कांग्रेस साफ, दिग्विजय सिंह साहब 36 साल में क्यों आए यहाँ आज, क्यों आए? तो ये सवाल थोड़ा सवाल जायज है, लौट रहा आपके पास, ये सवाल जायज है। कांग्रेस सब कुछ इतना ही अच्छा कर रही थी तो एक एक करके हर जगह से कांग्रेस गायब हो रहा, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी भाग रहे हैं। भाई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा थे महाराज जी, वो भी चले गए। देखिए जो लोग गए हैं उनके, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं वो किस लिए गए हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और वो किस लिए गए बताइए ना, वो इसलिए गए, जब सिंधिया जी गए वो उनके ड्राइवर से हार गए और वो सत्ता से छोड़ के चले गए, कि वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते थे। ऐसे लोग जो, और जो करप्टेड लोग थे, जो जरूरत से ज्यादा करप्टेड लोग थे। अच्छा, तो अब सिंधिया खराब हो गए? बिल्कुल अब खराब हो गए। एक बात बताए, उधर थे तो ठीक, एक तरफ ये देखिए, सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वो क्या बोलते थे कि भाजपा के हाथ खून से रंगे हुए, किसानों को गोली मारने का काम किया था किसने? भाजपा ने। आज सिंधिया उसमें चला गया, बीजेपी में चला गया, तो उस वॉशिंग मशीन में धुल गए तो अच्छा हो गया। अरे ये सब दबाव, ईडी के कारण दबाव। माननीय राहुल गांधी जी का एक पैगाम है, जो हर आंधी से टकरा है वो तूफान लाऊंगा, नए अंग्रेज आए नए गांधी लाऊंगा। वो कह रहे हैं कि गांधी नहीं वो आंधी है, वो आंधी बता रहे हैं। मैं प्रकाश पुरोहित जी से पूछना चाहता हूँ कि इनके भाई हमारे किसान संघ के अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, दो बार के नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बने, और ये कह रहे कि भाजपा खराब हो गई है, और एक भी ज्योतिराज सिंधे के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का। ठीक है, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। ये भाजपा खराब है तो इनका भाई भाजपा में कैसे? दो बार भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष, और हमने तो सुनो, हमने तो राम मंदिर की तारीफ भी बनाई है और राम मंदिर भी बना दिया, और अब भी सुनो हमारे, थोड़ा पीछे चलते जगह बनाते हैं। हाँ भाई, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप कह रहा हूँ, अरे 2.5 लाख से कम नहीं जीतेंगे हम। हाँ, लिख लो, अब की बार 400 बार ये मैनेजमेंट करने वाले लोग 400 पर ये स्थानीय मुद्दे की बात। अब की बार कितनी हम जीतेंगे
30 बार कांग्रेस 40। गरीब आदमी की सुन, अरे भाई ये छोड़ के बोल तू तो। हमारे राजगढ़ क्षेत्र से सर रोडमल जी नागर वापस जीतेंगे। ये कह रहे हैं नागर जी फिर जीतेंगे, नागर जी फिर जीतेंगे, 6 लाख वोटों से जीतेंगे। एक मिनट मुझे बोलने दो, एक मिनट सुनाई दे रहा है, एक मुद्दे की बात करूंगा। एक मिनट मुद्दे की बात हो रही है। कांग्रेस के मित्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि जब 96 में कांग्रेस की सरकार थी तो मुस्लिमों की दुकान तोड़ी गई राजा दिग्विजय सिंह से। बताइए, कांग्रेस वालों ने जब भारतीय कांग्रेस की सरकार थी 10 साल में तो पुराने बस स्टैंड में मुस्लिमों को की दुकान तोड़ी गई, और फिर उसके बाद 15 महीने की सरकार फिर वापसी आई, फिर उन मुसलमानों की दुकान तोड़ी गई और उनको कोई व्यवस्था दी गई। तो कांग्रेस एक सवाल मैं चाह रहा था। देखिए बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा ठीक है, हम एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन जरा राजगढ़ की बात कर लेते। इसका जवाब सुन। देखिए हर साल अतिक्रमण आता था इनकी सरकार में, अतिक्रमण तोड़ते थे, गरीब आदमी झोपड़ी निकाल देते, झोपड़ी तोड़ देते थे, उसकी दुकान तोड़ देते। हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया कि हम उसको गुमटी मुक्त कर दे और पक्की दुकान बना के दे। हमने दुकान बनाना चालू करा, 300 दुकान बना रहे थे, दुकान बनाने का काम चालू किया और सरकार चली गई, जिसका आज तक ये लोग दुकान नहीं बनने दे रहे। दुकान नहीं बनने नगर पालिका इनकी है। चलिए हम स्थानीय मुद्दों पे बात करें। मैं चाह रहा था कि थोड़ा स्थानीय मुद्दों की बात करें। एक बात आ रही है बार बार कि राजगढ़ का विकास किसने किया, राजगढ़ में क्या हुआ, क्या रह गया, हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लंबे समय तक रही और भाजपा की सरकार भी रही है, भाजपा की वर्तमान में सरकार रही है। राजगढ़ के कई मुद्दे हैं, कई कोई कहता है कि सड़कों का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है। जरा मैं रेलवे को लेकर यह सवाल करना चाह रहा हूं कि राजगढ़ रेल नेटवर्क से इतने सालों तक क्यों अछूता रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है राजा दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व। लंबे समय तक इस क्षेत्र को बिगड़ने फुसलाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। आप मानेंगे उदय पैलेस करके खिलचीपुर में एक होटल है, हेलीकॉप्टर से उस होटल में आकर के रेलवे का भूमि पूजन किया था, उसके बाद एक मुझे ये बताया गया कि राजगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ से रेल लाइनें नहीं जाती हैं, लोगों को ब्यावर जाना पड़ता है, इतने सालों तक अनदेखी रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो आप लोगों हमारे सांसद नारायण सिंह आमला भी, राजा दिग्विजय सिंह जी ने रेलवे लाइन को मंजूर कराया। आज हमारे जो खड़गे साहब है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनने आके भूमि पूजन किया। अब ये कहाँ से बोलते हैं? 2008 में रामगंज मंडी भोपाल शुरू हुई थी, 2008 में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और जो भाई साहब ने कहा उसके दो बात के जवाब देना चाहता हूँ। फर्स्ट तो ये 2008 में रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन पूरी हुई थी, शुरू हुई थी। आज 16 साल के बाद वो पूरी नहीं हुई है। 16 साल के बाद पूरी नहीं हुई कह रहे हैं? अरे आज तक कुछ भी नहीं हो करा उन्होंने, इन 18 सालों में कम से कम यहाँ तक राजस्थान तक तो आ गया, ये काम चालू हो गया। 2008 में आ गई थी तो अभी रेल करोने क्यों रो रहे हैं? रेल तो 26 को तो आई जाएगी ट्रेन, हमारे यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी। इसका श्रेय किसको जा रहा है? आप मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी को जा रहा है। हाँ बोलो भाई, बोलो सर। मैं कहना चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, हमारा वार्ड क्रमान 12 में भी बीजेपी का पार्षद है, वार्ड क्रमांड 13 में भी बीजेपी का पार्षद है जीरापुर शहर से हूँ। लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ जीरापुर शहर में 12-13 वार्ड में 15 वार्ड में अभी तक पट्टे क्यों नहीं हुए, हर बार सुनता हूँ मैं। भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे सेंक्शन हैं, उनको वितरण करना आचार संहिता की वजह से रुके हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बहुत सराहनीय कदम रहा कि जो इस पे काम हो। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं। ये सम्माननीय लोग जो रामगंज मंडी रेलवे लाइन का कह रहे थे, एट डेट टाइम आई वाज द मेंबर ऑफ ZICC, हमारे अध्यक्ष जी भी ZICC थे। सिर्फ ये बता दे के रेलवे का DICC का मंजूर हुआ था, ZICC का मंजूर हुआ था, NICC कौन मंजूर? अरे पहला तो राशिद भाई से और प्रकाश पुरोहित जी से पूछना चाहता हूँ कि दो ही एक है, एक है कि ये जब तक जिला अध्यक्ष रहेंगे मैं जब तक कार्यालय में जाऊंगा कांग्रेस का, मैं ये कहा की कुछ है? हाँ, क्या कह रहे थे भाई? जब सांसद निधि थे उसी टाइम घोटाला हुआ था, उसी टाइम की बातें बता रहे, कहाँ
इनने मंजूर कराई, प्रमाण नहीं है, प्रमाण है क्या इनके पास? कोई हमारे प्रमाण है क्या? जरा पीछे 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 चलते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ी जगह बनाइए। एक चीज बताइए मुझे, एक चीज की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है, और बीजेपी ने तो हर जो हर जगह से हर मंच से कहा है कि भाई राम आ गए, अब राम आ गए, और राम आ गए तो क्या राम जो है इस चुनाव में असर डालेंगे? अरे राम का मुद्दा चुनाव में क्यों, ये बताइए मुझे। राम का मुद्दा इसलिए है, और राम का मुद्दा राजगढ़ में क्यों? राम का मुद्दा राजगढ़ में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। क्यों है कि कांग्रेस ने ये कहा था, वकील खड़े किए थे इन हलफनामा में कि राम श्री राम तो काल्पनिक है, मगर मोदी जी ने दिखा दिया है कि राम का मंदिर बता गया कि भगवान राम है धरती पर। राम को ये लाइए, ये राम को ये क्या लाएंगे? राम तो इस देश के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, आदमी आदमी में व्याप्त है राम को। ये क्या वो कहते हैं कि राम को लाएंगे? ये राम को लाएंगे। देखिए देखिए, राम को लाए हैं, राम को वनवास हुआ था, राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे, ऐसे ही राम का मंदिर जब तोड़ा गया था आक्रांताओं के द्वारा, हम राम को वापस पुनः उनकी प्रतिष्ठा। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि राम को लाए, अरे ये कितना झूठ बोल रहे हैं, भगवान राम हमें वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आपने, हमें लाए और ये लाएंगे राम। ये वो कह रहे हैं अदालत में, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील राम के मंदिर के खिलाफ खड़े थे। सुनो, हम वो खिलाफत में थे, राजू गांधी जी ने गेट खुलवाया, और चारों शंकराचार्यों ने फिर उस उद्घाटन मेरा नाम मोहम्मद कमाल खान है। सर विकास की बात होना चाहिए, अगर डिबेट हो रही है तो विकास की बात करें, राम जी कोई विकास की बात नहीं है। तो एक बात करिए, शिक्षक, ये महिलाएं मर रही है अस्पताल में, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, सारे डॉक्टर भ्रष्टाचार मचा रहा बिना। अरे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ बीजेपी वालों से, मेरा यूँ कहना है कि एक मुद्दे की बात करो, ये जय श्री राम का नाम है, वो बताइए अन क्या बिना राम का है? ठीक है तो देखिए, अरे रुकिए, थोड़ा पीछे जाइए, आप लोग बहुत आगे आ रहे हैं, मेरे लिए जगह नहीं बच रही चलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। अब ये कह रहे हैं, देखिए हमारे 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 कांग्रेस के मेहमान का कहना है कि कुछ बड़े मुद्दों पर बात करिए। अब देखिए बड़े मुद्दे क्या हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, सुनिए मेरी बात, क्या राजगढ़ में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर नेताओं की क्या राय है? चलिए सुनिए, रुके, अरे, ऐसे मत करिए, प्लीज, हाँ नहीं, अब चलिए उनकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, राम का मुद्दा नहीं है चुनाव में, वो मान रहे हैं, चलिए उनको मानने दीजिए, ठीक है। नहीं, ठीक है, यहाँ बात होगी बेरोजगारी की। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बेरोजगारी पे पूरा जवाबदारी है। इस जिले से यहाँ पलायन होता था, यहाँ का नागरिक बाहर काम करने जाता था। मोहनपुरा बनाने के बाद हर व्यक्ति को काम मिल रहा है, हर घर में 500 क्विंटल गेहूं हो रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज आए, हमारे व्यवसायिक कॉलेज आए, जितने कॉलेज आए भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज मंजूर 15 महीने की सरकार में बाबू सिंह तंवर ने कराया, कमलनाथ ने मार क्यों गए फिर? कमलनाथ जी ने क्यों? देखिए तो राजगढ़ की जनता ने नकारा, ये नहीं आ रहे थे क्या मुझसे? सुनिए, ये मुझसे भी आ रहे थे देश, अरे यही नहीं, मैं नहीं आ रहा, दो काम से हारे, सुनो नहीं, ये फैक्चुअल बात है, चुनाव की बात है। राजगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी 2 बार लगातार हारे हैं, क्यों हारे? 4 लाख के अंतर से हारे, क्यों हारे? राजगढ़ की जनता ने क्यों मेला का पैसा डाल रहे हैं इलेक्शन में? कहा गया निर्वाचन आयोग आचार संहिता में पैसे डाले जा रहे हैं, हारे क्यों? एक मिनट, कांग्रेस इसलिए हारी कि इन्होंने देश द्रोह
धर्म कहा गए दिग्विजय सिंह जी के? इनने जो बोला ना वो करा नहीं, जो करा नहीं। तो ठीक है ठीक है ठीक है, कुल मिलाकर देखिए यहाँ हमने सभ्य मुद्दों की बात की, समय की समाप्ति हो रही है, इशारा हो रहा है मुझे, इशारा हो रहा है मुझे, इशारा हो रहा है कि अब समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गर्मा गर्म बहस में हिस्सा लेने के लिए, राजगढ़ के मुद्दों को उठाने के लिए। तो राजगढ़ से आज के लिए इतना ही, और अब आइए देखते हैं पब्लिक पोल में पब्लिक का क्या कहना है। आइए सुनते हैं लोग अपने नेताओं को लेकर पब्लिक पोल में क्या कह रहे हैं। आपने भारत को एक विकसित देश बनाया, आपने भारत देश की गरीबी मिटाई, आपने हर वर्ग को, हर समाज को, हर वर्ग का उद्धार किया, आपने गरीब लोगों के आवाज़ बनाए, जिन गरीब लोगों के पास में मकान नहीं थे उनको मल्टी बनाई गई। देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए हमें भारत के अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री होने से इनने जो जितना कार्य करे हैं, अच्छे काम करें, और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री बने रहे। आप इस देश के हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। एकमात्र पूरे देश में आज के समय पे आप ही एक लौते ऐसे नेता है जो ज़मीन पर रह के बिल्कुल ज़मीनी स्तर से युवाओं की, किसानों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आपने इस महंगाई के दौर को लेकर, युवाओं पे हुए अत्याचारों को लेकर और किसानों पे हुए अत्याचारों को लेकर जो पूरे देश में आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, उससे निश्चिंत ही इस बार चुनाव में बहुत ही फ़र्क दिखेगा, और युवा इस बार पूरे देश के आपके साथ है। आपके ऊपर युवा और सभी की निगाह टिकी है, आपकी वो गारंटी है उसके की। और हमारे यहाँ से लोकसभा से रोडमल नागर जी है, उसने भी कुछ नहीं किया 10 साल में, और केंद्र सरकार ने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। किसान उनकी तो यह मान लो कि खाद बीज के पैसे भी नहीं निकल रहे। हम किसान हैं, कोई हम पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते, पर कांग्रेस की सरकार रही इतना दिन तक कोई महंगाई अति नहीं थी।